बुधवार सुबह केंद्रीय कश्मीर के बडगाम जिले के चतरगाम इलाके में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। जी हां, आपको बता दें, सेना के 50 आरआर, सीआरपीएफ और एएसओजी की एक संयुक्त टीम ने चतरगाम को बंद कर दिया, जबकि सुरक्षा बलों द्वारा सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। संदिग्ध घर की घेराबंदी कर दी गई है। वहीं आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच गोलीबारी जारी है। एक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने पुष्टि की है कि क्षेत्र के कुछ आतंकवादियों की उपस्थिति के बारे में विश्वसनीय इनपुट होने के बाद छुपे आतंकवादियों के साथ संपर्क स्थापित किया गया है। वहीं सूत्रों के अनुसार 2 स्थानीय आतंकवादी मारे गए हैं और 3 सेना के लोग घायल हो गए हैं। ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। इस मुठभेड़ में नावेद जाट के भी मारे जाने की खबर आ रही है। जी हां, नावेद जाट को भी स्थानीय मिलिट्रेंट में पोस्टर बॉय माना जाता रहा है। ये सुरक्षा बलों के लिए बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। लश्कर के कमांडर थे नावेद जाट। नावेद जाट और 2 और आतंकवादी मारे गए। सुजात बुखारी की हत्या में शामिल थे नावेद जाट। ज्यादा जानकारी लेते हैं कश्मीर ब्यूरो चीफ रईस वानी से। जी रईस जी, क्या अपडेट है इस समय वहां पर? एक गन फाइट ब्रोक आउट बिटवीन मिलिटेंट्स एंड गवर्नमेंट फोर्सेस इन चतरगाम एरिया ऑफ सेंट्रल कश्मीर बडगाम डिस्ट्रिक्ट ऑन वेनेसडे अर्ली मॉर्निंग। रिपोर्टर्स रीचिंग सेड दैट ए जॉइंट टीम ऑफ आर्मी 50 आरआर, सीआरपी एंड एसएजी कोऑर्डिनेट ऑफ चतरगाम व्हाइल दोज फोर्सेस इंटेंसिफाइड सर्चेस टुवर्ड्स suspected houses the hiding militants fired upon government forces triggering as gunfight. Senior police official confirmed that contact has been established without the hiding militants after having credible input about presence of some militants in the area. As per sources, 2 militants were killed and 3 army men also injured. Operation is still going on. This is Raiswani along with cameraman Hilal Bhatt, JK Khabar Now, बड़गाम।